अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। नगर सेवक दीपक पवार ने की भोलेनाथ की पूजा अर्चना, सीउड में शिव शंभो मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। नेरुल के सीउड सेक्टर 50 के जागृति शिव शंभो मंदिर में विराजमान भगवान सोमेश्वर को सैकड़ों भक्तों ने जल चढ़ाकर पूजा अर्चना की। तोड़ू कार्रवाई से यहाँ मंदिर का ढांचा तो नहीं बचा है, लेकिन भक्तों की आस्था आज भी बरकरार दिखी। यहाँ भगवान का दर्शन करने भक्तों का जमावड़ा नजर आया। स्थानीय नगर सेवक दीपक पवार ने भी यहाँ सपत्नीक दर्शन किया और जल चढ़ाकर मंगल प्रार्थना की। उन्होंने नागरिकों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं भी प्रदान की। महाशिवरात्रि निमित्त नवीन बिंदुकरांना आणि माझ्या प्रभागातील सर्व नागरिकांना महाशिवरात्रीच्या सर्वोत्तम खूप खूप शुभेच्छा। दरवर्षीप्रमाणे ह्याही वर्षी इथे महाशिवरात्रीचा उत्सव होत आहे आणि माझ्या प्रभागातील लोकांना खूप आनंद या गोष्टीचा। आणि हा महाशिवरात्री उत्सव हा कित्येक वर्षापासून इथे उद्धव खराडे साहेब साजरा करत आहेत आमच्या प्रभागातल्या लोकांना बरोबर घेऊन। आणि असाच हा उत्सव कायम मी त्यांना सांगत असतो की दरवर्षीप्रमाणे ह्यावर्षी जो तुम्ही केला आहे त्याबद्दल मी त्यांचे खूप खूप अभिनंदन करतो आणि हा उत्सव असाच कायम साजरा करावा त्यांना अशा शुभेच्छा देतो आणि पुन्हा एकदा तुम्हाला सगळ्यांना महाशिवरात्रीच्या खूप शुभेच्छा देतो। हे बड़ा प्राचीन मंदिर था, बड़ा अच्छा लग रहा है। हिंदुओं की एक आस्था की विषय है और हम सभी लोगों से यह गुहार करेंगे कि इस मंदिर को जितना सुंदर बनाया जाए, शासन प्रशासन इसका सहयोग करे। और एक आस्था की बात है और बड़े ही मेहनत से और बड़ी अच्छी जगह पर ये बना हुआ है। मुझे यही चाहिए कि यहाँ शासन प्रशासन हेल्प करे, ये पूरी कमेटी की, भोलेनाथ के इस मंदिर के लिए, और यहाँ और भव्य स्थान बने। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।